DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। जड़े नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम करबा अभियोग रे बरगढ़ जिला सोहेल थाना एसआई बनमाली कुआर को सस्पेंड करा जाय छी। अभियोग अनुजाई गत 8 तारीख दिन मेलछामुंडा थाना अंचल नाबालिका जनक ट्यूशन को जाई आ घर को फेरि नथिले। परिवार लोके अभियोग करबा परे मेलछामुंडा थाना पुलिस तदंत करी नाबालिका को सोहेल रु उद्धार करथिला ओ परिवार लोकंकु हस्तांतर करथिले। उद्धार परे नाबालिका जनक परिवार लोकंकु कहिथिले जे रिकु नाग अपहरण करी सोहेला नै एसआई बनमाली कुआरंक भड़ा घरे रखी दुष्कर्म करथिला। तापरे से सेठारु पळाई जाइथिला। राति रे एएसआई तांको दुष्कर्म करबा को उद्यम करथिले। राज्य रे दिनकु दिन नाबालिका दुष्कर्म मामला बढ़ुवा बेले जड़े पुलिस अधिकारी ना रे एभली अभियोग आसीबा चिंताजनक विषय बोली स्थानीय अंचल रे चर्चा हेउछि। राजधानी रे घटुवा अधिकांश अपराधर ब्लू प्रिंट बस्ती रे प्रस्तुत हेउछि। एहार प्रमाण पुलिस हाथ रे किंतु बस्ती रे पसिबा एवं अपराधी को धरिबा कमिश्नरेट पुलिस पाई चैलेंज पलटिछि। राजधानी रे दिनकु दिन नुआ नुआ बस्ती गढ़ी उठुवा बेले केउठी कौन हेउछि तार टेर भी पाउनी पुलिस। पुलिस पाई बस्ती अपहंच पलटिछि। तेणु बस्ती बासिंदा सह संपर्क जोड़ीबा अपराध और अपराधी संपर्क में बस्ती बासिंदा को सचेतन करिबा बस्तीर टिकिनिकी खबर स्थानीय थाना रे तुरंत जेपरी पहुंचिबो सेथिबाय कमिश्नरेट पुलिस आरंभ करबाक जाउछि नुआ योजना आपोस। भद्रक जिला चांदबाली थाना अंतर्गत मृगनयनी गाँव में भयावह अग्निकाण्ड घटी चारि बखरा घर पोड़ी पाउँस होइ जाइछि। घटनास्थल में चांदबाली दमकल बाहिनीर कर्मचारी माने पहुंची निया को आयत्त करथिले। तेबे निया लिभाइबा बेलकु घरर समस्त आसबाबपत्र समेत अन्यान्य जिनिसपत्र पोड़ी पाउँस होइ जाइथिला। हेले अग्निकाण्डर कारण ए पर्यंत स्पष्ट जणापड़ी नाही। मंडीरु धान किणा जाउनथिबा अभियोग रे पूर्वतन सांसद प्रदीप माझीक नेतृत्व रे मालकानगिरी जिलापालंक कार्यालय आगरे धान बस्ता रखी जिला कांग्रेस पक्षरु धारणा दिया जाइछि। तीन मास हेलानी मालकानगिरी जिले रे मंडी खोलिथिबा बेले ए पर्यंत धान किणा शेष होइ पारु नाही। चासी माने शीत काकरे रे बसी हैरान हेउछन्ती। एने से माने बारंबार प्रशासन को जणाइथिले भी किछि सुफल मिलुनी। तेणु कांग्रेस राजरास्ता को ओल्हाइछि। मंडीरु धान न उठिबा पर्यंत आंदोलन जारी रहिबो बोली दल पक्षरु कुहा जाइछि। प्रदीप माझी कहिछन्ती जिलार 60% धान मंडीरु धान उठि नाही। सरकार धान किणु नाहांती फळरे चासी माने मास मास धरी मंडीरे पड़ी रहिछन्ती ओ हैरान हेउछन्ती। फेब्रुवारी 10 तारीख सुधा सब मंडीरु धान किणा शेष न हेले जिलापालंक ऑफिस घेराव करा जिवो बोली मालकानगिरी जिला कांग्रेस कमिटी पक्षरु पूर्वरु चेतावनी दिया जाइथिला। सेही समय सीमा मध्यरे समस्यार समाधान न हेबारु आमे धारणारे बसिछु। जिलार सब मंडीरु धान किणा न गले आगामी दिन में चाषी आंदोलन भयावह हेब। बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना अंतर्गत भागिया छक निकट रे सकाळ प्राय 6:30 समय रे सीरीज दुर्घटना घटी। सूचना अनुजाई गोटे कोईला बोझ ट्रक पछरे आउ एक कोईला बोझ ट्रक को पिटी देइथिबा फल रे घटनास्थल रे जणक मृत्यु घटिथिबा बेले दुई जण गुरुतर आहत होइछन्ती। आहत मानकु सिमुलिया डाक्टरखाना रे भर्ती करा जाइछि। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा परिचालित एवं ओडिशा डांस एकेडमी और आर्ट विजन रो मिलित उद्यम रे आयोजित 15तम धौली कलिंग महोत्सव उद्यापनी उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि माने थिले मेजर जनरल बसंत कुमार महापात्र, भारतीय विद्या भवन रो डॉक्टर एस के टमोटिया, एनटीपीसी रो जनरल मैनेजर सेबास्टियन जोजेफ, नृत्य समीक्षक डॉक्टर सुनील कोठारी, संस्कृत विभाग रो प्रमुख शासन सचिव मनोरंजन पाणिग्राही, पर्यटन अधिकारी रतिकांत पटनायक, ओडिशा डांस एकेडमी रो संपादक गुरु पद्मश्री अरुणा महांती प्रमुख जोग देथिले। राउरकेलार पानपस छक सड़क सुरक्षा सप्ताह पालन शेष दिवस रे साई परिवार और राउरकेला आरटीओ तरफ एक जन सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो अवसर में मुख्य अतिथि भाव आंचलिक जानवाहन कार्यालय, राउरकेलार जूनियर एमभीआई और राउरकेला उन्नयन कर्तृपक्ष अध्यक्ष शारदा प्रसाद नायक और साई परिवार सभापति निरंजन चौधरी प्रमुख जोग देते। हेलमेट पिंधि बाइक चलाउथबा चालकंकु गोला फूल दे उत्साहित करा जायथिला एवं जो माने हेलमेट पिंधि नथिले तांगु हेलमेट पिंधबा पई प्रवत्त जायथिला।
ସେହିପରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଉପକାରିତା ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସାଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଭଦ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା କ୍ଷୀର ସାହିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା ଦାସ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧୁସ୍ମିତା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଡ ପୁରାଇଲେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବା ଘଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ସହ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମେସିନ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ 7 ମାସ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଏଭଳି ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଉଡନ୍ତା ମୋଟରସାଇକେଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।